एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। जरीपटका थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लापता। दिल्ली पुलिस के एसआई के पास से 1,12,00,000 कैश जब्त। हानिकारक पटाखों पर रोक, सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं आप खबरें विस्तार से। जरीपटका थाना क्षेत्र के दयानंद पार्क से 16 वर्षीय नाबालिग अचानक लापता हो गया। लड़के का नाम राहुल राठौर बताया जा रहा है, जो कि परिवार से बिना किसी को बताए कहीं चला गया। जरीपटका थाना क्षेत्र के दयानंद पार्क में एक 16 वर्षीय नाबालिग लापता हो गया। घर वालों ने उसके लापता होने की शिकायत जरीपटका पुलिस थाने में दर्ज कराई है। परिजनों के अनुसार बालक अपने घर वालों को बिना बताए कहीं चला गया या किसी के बहकावे में आकर वह चला गया है। पुलिस बालक की तलाश कर रही है। दूसरी खबर, सीबीआई ने दिल्ली के मैदानगढ़ी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एसआई भोजराज को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गौर करने वाली बात यह है कि बाद में उसकी कार से 5,00,000 और घर से 1,12,00,000 रुपए कैश जब्त किए गए। सीबीआई के अनुसार एसआई के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। तीसरी खबर, हानिकारक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद बिक्री होने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी व्यक्त की है। जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि देश की जांच एजेंसियां कैसी है। हमने सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दी थी, लेकिन बाजार में सब तरह के पटाखे बिक रहे हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर 100% रोक नहीं है, रोक केवल हानिकारक केमिकल से बने पटाखों पर है, ग्रीन पटाखों पर नहीं। हमारे आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। इस मामले में शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस शाह ने कहा है कि जब सब जानते हैं कि पटाखों के प्रदूषण से हर साल दिल्ली पर क्या बीतती है, हमने पटाखों पर रोक व्यापक जनहित में लगाई है। कुछ लोग एक धारणा बना रहे हैं कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। और आप देख रहे हैं।